हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब तक हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके थे sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आज हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग किसका होगा, मिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल। अब बेटा मान लीजिए कि हम इनके साथ फास्फोरस लेते हैं, कितने बनेंगे बेटा, 5 न्यू हाइब्रिडाइज आरबिटल बनेंगे, 5 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ज्योमेट्री होगी बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल PCl5 एग्जाम्पल बेटा, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप जानते हो P15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 सबका सकते हैं पीएम ग्राउंड स्टेट। फास्फोरस को ग्राउंड स्टेट में करेंगे बेटा तो 3s2 इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3d ऑर्बिटल 9 इलेक्ट्रॉन 3d0 3p3 एंड 3s2 पीएम ग्राउंड स्टेट। अब बेटा हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि इसमें बेटा इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 वैलेंसी होगी, इट विल बी ट्राई वैलेंस। बट इन एक्साइटेड स्टेट फास्फोरस को अगर एक्साइटेड स्टेट में करें बेटा, इसको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3d में, 3s में कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड 3p 3 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म 3s ऑर्बिटल विल शिफ्टेड टू 3d ऑर्बिटल। अब बेटा इन्हीं को मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे, दैट विल बी sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 5 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब बेटा क्लोरीन क्या करेगा, इन्हीं पांचों ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करके बेटा 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। जो 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं बेटा, इनमें हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड बनेंगे, कितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड से बेटा 3 जो होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड में 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे एंड 2 बेटा एक्सियल बॉन्ड होंगे। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं बेटा, इनमें एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है एंड बॉन्ड लेंथ बेटा 204 पिकोमीटर। और ये बेटा जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, इनमें बेटा जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 219 पिकोमीटर होती है। एग्जांपल तौर पर बेटा ये लिख रहा हूं कि ज्योमेट्री
ये वो बेटा हमारे क्या है, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये फास्फोरस शेकन है, ये सीएल सीएल सीएल। अब ये क्या कर, राइट एंगल पे दो होगा, ये यहां से एक सीएल बोल लो, ये एक सीएल दो सीएल सीएल, एक सीएल की लेंथ बेटा कितनी होगी 219 पिकोमीटर, और एक सीएल की बेटा 204 पिकोमीटर। एंगल कितना होता है, एंगल होता है बेटा 120 डिग्री। ये फिर से देखते बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ वन एस 3p एंड 1d ऑर्बिटल विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 5 नया ऑर्बिटल बने। अब बेटा 5 जो नया ऑर्बिटल बनेंगे क्लोरीन का पी ऑर्बिटल इस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 5 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बेटा उसमें 3 जो होंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स होंगे एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स होंगे। 3 इक्विटोरियल बॉन्ड में बेटा ये जो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा ये होता है बेटा 120 डिग्री, और ये जो एक्सियल बॉन्ड होंगे बेटा इनसे क्या होंगे, राइट एंगल पे होंगे। अब इनमें जो बेटा लेंथ है एक्सियल बॉन्ड की लेंथ कुछ ज्यादा होती है, वो होती है 219 पिकोमीटर की, और इक्विटोरियल की बेटा 204 पिकोमीटर। सिमिलरली बेटा स्ट्रक्चर होगा पीएफ 5 की स्ट्रक्चर सिमेट्री, पीएफ 5 देखिए क्या बनेगा बेटा, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइग्राम में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले बेटा हम कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री देख लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। सबसे फर्स्ट देखते हैं बेटा आपका जो है sf4 मॉलिक्यूल, sf4 मॉलिक्यूल देखिए sf4 मॉलिक्यूल बेटा सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3d0 ये है बेटा फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट, मीन्स ये 3s2 इलेक्ट्रॉन 3p 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन 3d 1 2 3 4 5 3d0 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये क्या है, यस इन ग्राउंड स्टेट, सल्फर इन ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट बेटा यस इन एक्साइटेड स्टेट बेटा ये क्या करेंगे, ये 3p के इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये विल गेट शिफ्टेड इनटू 3d ऑर्बिटल। तो देखिए बेटा क्या होगा, जब शिफ्ट होगा तो यहां पे हो जाएगा 3s2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 3p में क्या होगा, 3 पेयर हो जाएंगे, और ये कंप्लीट यहां से जो इलेक्ट्रॉन था बेटा ये क्या हो, शिफ्ट हो गया 3d में। अब इन्हें हम क्या करते हैं बेटा, मिक्सअप करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बेटा फ्लोरीन के कितने हैं, 4 फ्लोरीन एटम ओवरलैपिंग करेंगे बेटा, ये 4 यहां पे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, लेकिन ये बेटा जो 3s था ये क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं किया, ये लोन पेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो अब इनकी बेटा जो ज्योमेट्री होगी, देखते हैं इनकी ज्योमेट्री जो बेटा क्वेश्चन ज्योमेट्री है, यहां पे बेटा क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन, और यहां पे क्या होगा, ये लोन पेयर यस वाला,
जो टू इलेक्ट्रॉन थे, एक ये ज्योमेट्री हो सकती है, दूसरी पॉसिबल ज्योमेट्री बेटा ये लोन पेयर, ये दो ज्योमेट्री बेटा पॉसिबल है। अब बेटा ये क्या होगा रिपल्शन की वजह से, देखिए हम पढ़ेंगे बीच पर थ्योरी बेटा लोन पेयर बोन पेयर में रिपल्शन होता है, तो या ये बेटा ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होता है ज्यादा ही स्टेबल होता है। हम बीच पर थ्योरी बेटा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे ये जो रिपल्शन बता रहे हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर। देखिए यहां बेटा ये क्या, ये लोन पेयर है और ये क्या, ये जो बॉन्ड बना है बेटा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगी बेटा रिपल्शन होती है। थोड़ा सा एनर्जी देखो एनपी, लोन पेयर रिपल्शन होती ज्यादा होती है देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर बेटा रिपल्शन ज्यादा होती है देन द बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अगर ये क्या होगा कि यहां पे अगर होंगे तो इनके बीच क्या होगा रिपल्शन ज्यादा, इनके बीच यहाँ पे क्या होगा इनसे डिस्टेंस ही बढ़ जाएगी इनके बीच रिपल्शन क्या होगा कम होगा, यहाँ बेटा पास में इनके बीच क्या होगा रिपल्शन ज्यादा होगा, इस वजह से ये वाला बॉन्ड क्या होगा ज्यादा सॉरी बॉन्ड ये वाला स्ट्रक्चर तो बेटा ज्योमेट्री जो है ज्यादा स्टेबल होगी, यह सिर्फ फोर वाले की ये ज्योमेट्री होगी। अब देखिए क्या ये ट्राइगोनल बाइप्लेनर ज्योमेट्री दे रहा है बेटा, क्या भी ये ट्राइगोनल बाइप्लेनर ज्योमेट्री है बताइए, नहीं बेटा ये ट्राइगोनल बाइप्लेनर ज्योमेट्री अब नहीं बची, ये क्या हो गई है सीसा की तरह, सीसा जानते हो ये बच्चों बेटा झूलने का जो झूला होता है सीसा की तरह, सीसा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सी एफ टू मॉलिक्यूल में, एक्सी एफ टू मॉलिक्यूल में ये देखिए सीसा बेटा ये समझिए सीसा से, सीसा से ज्योमेट्री हुई। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्या एक्सी एफ टू मॉलिक्यूल, अब ये बेटा फॉर्मेशन ऑफ एक्सी एफ टू मॉलिक्यूल देखते हैं, एक्सी एफ टू मॉलिक्यूल बेटा ज़ेनॉन एटॉमिक नंबर 54, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d10 36। अब देखिए बेटा मींस 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 6 इलेक्ट्रॉन, 5d ऑर्बिटल बेटा क्या है वैकेंट है, 5d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब देखते बेटा ये क्या है एक्सी ग्राउंड स्टेट है, अगर हम करें एक्सी इन ज़ेनॉन एटॉमिक एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट बेटा ये 5s में क्या होगा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 5p बेटा ये तीनों क्या है पेयर्ड है, इनमें से बेटा ये क्या होगा अनपेयर, ये यहां पर 2 यहां पर 2 और ये नीचे एक इलेक्ट्रॉन और ये आ गया कहां पर 5d। अब यहां पे जो मिक्सअप करें बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या होगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन बेटा इसमें लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर देखिए बेटा ये पेयर इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर 2-3 लोन पेयर ही हो जाएंगे, तो ट्राइगोनल बाइक्लिनर बेटा जो ज्योमेट्री हम बोलते थे यहां पे क्या करता है ये इस तरह से ज्योमेट्री लेते थे, तो याद हो रही है ये ट्राइगोनल बाइक्लिनर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बेटा ये क्या होंगे यहां पे ये तीनों लोन पेयर हो जाएंगे, ये तीनों लोन पेयर एटम जो है और ये बेटा यहां पे हमारा एक्सी एटम था, ये क्या हो एक ही एफ एटम ये हुआ और ये दूसरा जगह, तो अब बताइए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हुआ sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ, बट यहां पर ज्योमेट्री क्या है टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है नहीं बेटा, ये यहां पे क्या हो गया लीनियर ज्योमेट्री, ये एक चीज बेटा ध्यान देना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है ज्योमेट्री तो बदलता है, बट बेटा ज्योमेट्री क्या होती है डिस्टोर्टेड हो जाती है चेंज होती है लोन पेयर आने के बाद, अगर लोन पेयर प्रेजेंट हुआ तो ज्योमेट्री बेटा क्या हो जाएगी डिस्टोर्टेड हो जाएगी,
ये बेटा यहाँ पे कुछ हम देख लिया कुछ मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अब ESP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।